हम सभी अपने जीवन में प्रेशर शब्द से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे हमारा मेंटल प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर होता है हमें, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये वायुमंडलीय दबाव है। हम सभी जान रहे हैं कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग चारों ओर हमारा एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर का एक संगठन होता है। संगठन में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जलवाष्प है, गैसें हैं, धूल कण हैं और ये सभी मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल सिर्फ हमारे सिर के ऊपर ही नहीं, हमारे चारों ओर, मतलब हम अपने वायुमंडल से चारों ओर से घिरे हुए हैं। अब ये जो संगठन है जिसमें हमने बात की कि चाहे वो जलवाष्प हो, धूल कण हो या अलग अलग टाइप की गैसें हों, तो इन सब का वजन हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि इनका भी एक भार है, वजन है, जिसका दबाव हमारे ऊपर पड़ता है और यही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। आज हम इसी के विषय में चर्चा करते हैं। वायुमंडलीय दाब या दाब शब्द हमने पहले भी देखा है कि ताप और दाब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब संबंध कैसा है? विपरीत संबंध है। जहाँ पर ताप अधिक होगा वहाँ दाब की मात्रा जो है वो कम होगी और जहाँ ताप कम होगा वहाँ दाब अधिक होगा। इन्वर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध होता है। तो जब हम दाब के वितरण की बात करेंगे तो चूंकि ये तापमान से संबंधित है तो सीधी सी बात है कि अगर सूर्यतप की मात्रा या सूर्य से मिलने वाले प्रकाश की मात्रा जो है वो हमारे पूरे अर्थ में हम देख रहे हैं कि कहीं भी एक समान नहीं पड़ती है, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो जब तापमान में हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो नेचुरली है कि हमको दाब में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। आइए हम चर्चा करते हैं इस बात की। अच्छा, वायुमंडलीय दाब हम कह रहे हैं तो इसको हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। जैसे हम तापमान को, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, वैसे ही दाब को मेज़र करने का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और ये दाब जो हम मेज़र करते हैं उसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। बैरोमेट्रिक प्रेशर को हम देख रहे हैं, आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा हुआ है। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके, हम इसे फोर्टिन्स या मरकरी बैरोमीटर कहते हैं और दूसरा है आपका एनीरॉयड बैरोमीटर। एनीरॉयड बैरोमीटर जो है, मरकरी बैरोमीटर की हम पहले बात करेंगे तो मरकरी बैरोमीटर में क्या होता है, पारा होता है और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता या घटता है तो ये पारा भी ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। हाँ, अब एनीरॉयड बैरोमीटर, बच्चों जब भी आप अपनी साइकिल पे हवा डलवाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक गोल सी मशीन लगी हुई होती है और उसकी जो सुई है वो जैसे ही साइकिल में हवा भरी जाती है तो वो मूव करती है। तो कुछ ऐसा ही होता है एनीरॉयड बैरोमीटर, जिससे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर का मेज़रमेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है, यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो इंच हो, पास्कल हो, पर स्क्वायर मीटर में हो या पर स्क्वायर किलोमीटर हो, लेकिन जो पॉपुलर यूनिट है या हम जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लेके आते हैं वो है MB या हम इसे मिली बार के नाम से जानते हैं। हाँ, अब इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस से हम एक स्तंभ या कॉलम खड़ी कर देते हैं। वो कॉलम का जो एरिया है वो मैंने अभी बताया कि वो पर स्क्वायर इंच में, पर स्क्वायर मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ उसे एक यूनिट कह रहे हैं और ये एक यूनिट कॉलम को हम सरफेस से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब ट्रोपोस्फीयर से भी और ऊपर जितना हमारा एटमॉस्फेयर है, हम इसको खड़ी कर देते हैं तो उस इस कॉलम के अंदर या इस कॉलम का जितना वजन होगा और उसका दबाव जो सरफेस पे पड़ेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब इसमें हमने अभी बात ही की थी कि डस्ट पार्टिकल्स भी हैं इस कॉलम के अंदर, गैसें भी हैं और वेपर भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें वेरिएशन, प्रेशर में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वो कैसा है। सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं सी लेवल, सी लेवल में हमको वेपर की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है और यहीं पर सबसे अधिक जो है वायु दाब की मात्रा नोट की जाती है, जो होता है 1013.2 मिलीबार। इस वायु दाब की मात्रा में हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इसकी मात्रा जो है वो कम होती जाती है, दाब की मात्रा कम होती है, क्योंकि ऊपर का हमको पता है कि वायुमंडल जो है वो विरल है, तो नेचुरली है कि हम हाइट पे जाते जाएंगे तो वायु दाब भी जो है वो कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने भी कहा कि इसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है, सभी जगह दाब की मात्रा एक समान नहीं होती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके सामने हैं, ये फैक्टर्स जो कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं, इसके वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम दो देख रहे हैं, पहला प्राकृतिक कारण है और दूसरा जो है वो मानवीय कारण है। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में भी नंबर वन सूर्यताप, हमने अभी चर्चा ही की थी कि ताप और दाब दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, तो जहाँ पर ताप की मात्रा हमको अधिक मिलेगी वहाँ पर दाब, वायुमंडलीय दाब कम होगा। क्यों होता है, हम जान रहे हैं कि जहाँ पर भी सूर्य की किरण पड़ती है सीधी पड़ रही है और कहीं पर तिरछी पड़ेगी, एक समान तो सूर्यताप की मात्रा भी नहीं है, तो जहाँ सीधी पड़ रही है वहाँ तापमान अधिक होता है, तापमान जहाँ पर अधिक होगा तो क्या होता है कि वहाँ पर की जो हवा है वो गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होगी और हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेगी, तो नेचुरली है कि उस सरफेस का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने अर्थ पे, तो इक्वेटर जो है यदि हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सूर्य प्रकाश की मात्रा भी कम होती जाती है। तो एक बारगी यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ताप की मात्रा कम होती जाती है, वैसे ही दाब की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ये तो हो गया तापमान। अब तापमान के बाद हम देखते हैं जो वायुमंडल के संगठक तत्व जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, वो भी वायुमंडलीय दाब पर प्रभाव डालते हैं, मतलब जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, वेपर और गैसों की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर दाब जो है वो अधिक होगा, और जहाँ पर इनकी मात्रा कम होगी वहाँ पर दाब की मात्रा भी कम होगी। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सी लेवल पे हमको सबसे ज़्यादा वायु दाब मिलता है 1013.2 मिलीबार, तो वहाँ पर क्यों अधिक मिल रहा है, क्योंकि सी लेवल पे समुद्र के पास के क्षेत्र में हमको वाष्प की मात्रा सबसे अधिक मिल रही है, इसीलिए वहाँ पर हमको वायु दाब भी सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब डस्ट पार्टिकल्स ये कहाँ से आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी जो सी लेवल से हम जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर इनकी मात्रा जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि धूल कणों की मात्रा और वाष्प की जो मात्रा है या हम गैसे कहें तो वो नीचे ही हमको अधिक मात्रा में मिलती हैं, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो वहाँ पर इनकी मात्रा कम होती जाएगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम अपने भारत पे तीन जगह ले लेते हैं, एक कोई खड़ा है इंदौर पे, एक कोई कानपुर पे खड़ा है, एक हरिद्वार पे खड़ा है, तो क्या होगा, कहाँ पर प्रेशर जो है वो अधिक होगा। अभी हमने कॉलम की बात की थी, उस कॉलम का जो भार या वजन है जहाँ पर अधिक पड़ेगा या उसके पड़ने की मात्रा, वजन की मात्रा के अनुसार जो है वो दाब जो है वो हमको वहाँ पर अधिक या कम मिलेगा। तो भाई हम देखते हैं जो स्थान जितनी हाइट पे होगा वहाँ पर प्रेशर की मात्रा उतनी ही कम होगी, क्योंकि वहाँ पर कॉलम की हाइट, स्तंभ की ऊंचाई भी उसके अनुसार कम होती जाएगी।
जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कोई सी लेवल पे खड़े हुए हैं, सी लेवल के कोई भी कोस्टल एरिया पे हम खड़े हैं, और मेरी कोई एक फ्रेंड जो है वो थोड़ी हाइट पे, मतलब मैंने भी बात की, कोई इंदौर या कानपुर पे खड़ा है या इलाहाबाद पे खड़ा है, और थोड़े एक और जो फ्रेंड है हमारी वो हो सकता है हरिद्वार या हिमाचल के किसी जगह पे खड़ी होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसी कोस्टल एरिया से हाइट जो है वो इन स्थानों की तरफ बढ़ती जा रही है। तो स्तंभ की भी ऊंचाई आप इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि हम मैदानी क्षेत्र या सी लेवल भी मैं कहूँ, तो वहाँ से लेकर जैसे जैसे इस पर्वतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम ऊंचाई की तरफ, तो ये स्तंभ की मात्रा जो है या स्तंभ का जो आकार है वो क्रमशः छोटा हो जा रहा है। तो दाब की मात्रा वहीं पर अधिक होगी जहाँ पर स्तंभ का आकार जो है वो गहरा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जितना बड़ा स्तंभ उतना बड़ा प्रेशर या उसमें उपस्थित जो वायुमंडल के संगठक तत्व हैं उनके द्वारा डाला जाने वाला वजन या भार, तो नेचुरली है कि वहाँ पर दाब की मात्रा भी अधिक होगी। तो ये हो गई बात, वायुमंडल के संगठक तत्व भी जो हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं इस नेचुरल के साथ साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, कुछ मानवीय कारक, हम कहाँ अछूते रहेंगे इससे, जहाँ पर भी प्राकृतिक कारण इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारा भी वहाँ पर बहुत अहम रोल होता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन को बढ़ाने में तो हमारा बहुत बड़ा हाथ है। हम देख रहे हैं इसी के कारण हमारे पूरे ग्लेशियर्स जो हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। तो वैश्विक तापमान जहाँ पर बढ़ेगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो नेचुरली है कि वो प्रेशर को इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ साथ जो CO2 गैस की सांद्रता, हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, जो चीज़ें CO2 गैस को बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा करती हैं उनकी सांद्रता हम लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो AC हो, फ्रिज हो, या फिर हम बात करते हैं व्हीकल्स की, इन सब के माध्यम से। तो ये भी क्या कर रहे हैं, इनकी सांद्रता या इनकी मात्रा में वृद्धि होने से ये तापमान को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करके रख रहे हैं और अपने में अवशोषित कर रहे हैं, तो फिर नेचुरली है कि हमारा दाब भी उससे प्रभावित होगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लगातार हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, नगरीकरण हो, या फिर हम 6 लेन 4 लेन, मतलब सड़कों का लगातार डामरीकरण, ये सब भी बहुत हद तक जो है वो प्रभावित करते हैं ताप को, और ताप से प्रभावित होता है दाब। अब ये डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा भी बढ़ाने में हमारा रोल है, क्योंकि हम लगातार कई बार होता है कि सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर हम खनन कार्य करने के लिए बहुत विस्फोट करते हैं, तो ये सबसे डस्ट पार्टिकल्स भी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स की उपस्थिति नेचुरली ही कि वायुदाब को प्रभावित करती है। अब ये तो बात हो गई हमारे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका वितरण, हमने अभी बात की थी कि वेरिएशंस इसमें देखने को मिलते हैं, तो दो तरह से हम इसका वितरण देखते हैं, एक तो वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, और दूसरा जो है वो क्षैतिजिक वितरण या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। आइए हम पहले देखते हैं कि इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। हम अभी बातचीत में कई बार इस चीज़ को चर्चा कर चुके हैं कि हम जैसे जैसे इस अपने सरफेस जहाँ पर भी हम खड़े हैं उससे हम हाइट की तरफ, मतलब अपने एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर है, दाब की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। कारण क्या है? कारण हमने देखा कि जिस हम कॉलम की हमने बात की थी वो कॉलम भी लगातार छोटा होता जाता है, क्योंकि जो सबसे नीचे चीज़ उपस्थित होगी वहाँ पर उससे ऊपर उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का भार अधिक पड़ेगा, और क्रमशः हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम फिर से इसी ग्राफ से देख सकते हैं कि हमारा
कॉलम जो है वो छोटा होता जाएगा, आकार छोटा होता जा रहा है। तो बड़ा कॉलम, जितना गहरा कॉलम है उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना छोटा कॉलम है उतना प्रेशर या दाब की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। अब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो इसके गिरने की दर है, जैसे सी लेवल में हमने देखा कि 1013.2 मिलीबार होता है वायु दाब। इसके बाद हम प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 मिलीबार जो है वो वायु दाब हमारा कम होता जाता है। और आप इसे इस तालिका या टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई में जाने पर तापमान की मात्रा कैसी होती है और दाब की मात्रा क्या होती है। अभी हमने बार बार चर्चा की थी कि ताप और दाब में जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब विपरीत संबंध होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं, हमने तो पढ़ा है भाई कि हम जैसे जैसे अपने सरफेस से हाइट पे जाते हैं वायुमंडल की तरफ तो ताप भी कम होता है, और अभी हम कह रहे हैं कि दाब की मात्रा भी कम होती जाती है। और हम दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इनमें इनवर्स या विपरीत संबंध होता है। तो वो इसलिए है कि ताप की जो मात्रा है उससे इनवर्स रिलेशन वो पॉपुलर है, मतलब हम मैक्सिमम टाइम देखेंगे, क्योंकि पहाड़ों पे तो लोग ज़्यादा नहीं बसते ना, हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो वो चीज़ नहीं होती कि मानव बसाहट जो है वो हमको बहुत अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ पर हम जो सीधा संबंध जो है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, उसको हम यहाँ पर साइड में रखते हैं। और यदि हम लैटिट्यूड वाइज अक्षांश के अनुसार हम देखते हैं वितरण, तो हमने देखा था कि सूर्य तप की मात्रा जैसी मिलती है और दाब की मात्रा में उसके अनुसार इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ऊंचाई में जाने के कारण दाब के कम होने का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि वायुमंडल का संगठन जो है वो निरंतर ऊंचाई पे जाने पे हमको ये सारे फैक्टर्स उसमें कम देखने को मिलते हैं, चाहे डस्ट पार्टिकल्स हो, वाटर वेपर हो या भारी गैसों की मात्रा। ये सब जो है हम सभी जान रहे हैं कि हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है, और इस बल के कारण ये बल जो है ये हमारे पृथ्वी से लगी हुई जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ सरफेस की तरफ खींच के रखता है। और इसी फोर्स के कारण ज़्यादा जो संगठक तत्व हैं वो हमको अपने सरफेस के आसपास मिलते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, और ऊंचाई पे जाने पे उनकी मात्रा कम होती जाएगी। हम इसे एक इस मेज पर रखी हुई बुक जो लगातार एक के ऊपर एक क्रम से रखी हुई है, इससे भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे नीचे रखी हुई पुस्तक पे क्रमशः उसके ऊपर जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं उन सब का भार या वजन उस नीचे रखी पुस्तक पर पड़ रहा है, और क्रमशः उसके ऊपर जो दूसरी या तीसरी बुक रखी हुई है उस पे वजन की मात्रा या भार की जो मात्रा है वो नीचे रखे बुक से कम पड़ेगा। और जो सबसे ऊपर रखी हुई बुक हमको दिख रही है उस पे तो सिर्फ वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के जो संगठक तत्व ही हैं उनका ही वजन पड़ रहा है। तो नेचुरली है यही बात हमारे हम जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे दाब का, तो यही जो प्रोसेस है ये फॉलो होता है कि कॉलम में उपस्थित जितने भी फैक्टर्स हैं, मतलब कॉलम जितना गहरा दाब उतना अधिक, और कॉलम जितना छोटा दाब जो है वो उतना कम होता है। हाँ, हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है, और उसके इस अक्ष पर घूमने के कारण एटमॉस्फेयर भी जो है वो उससे लगा हुआ है, और उससे लगा एटमॉस्फेयर भी जो है वो क्या हो रहा है, उसके साथ साथ उससे चिपक कर घूम रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऊंचाई में जाने पर कम हो रही है और निचली सतह पर अधिक पड़ेगी, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरातल के सरफेस पे सतह पे अधिक होगा और हाइट पे क्रमशः कम होता जाएगा। अब ये बात हो गई हमारे वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण की। अब हम बात करते हैं वायुदाब का क्षैतिजिक वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण के साथ साथ हम क्षैतिजिक वितरण जब देखेंगे तो क्षैतिज वितरण को हम अक्षांश के अनुसार
उसका वितरण देखते हैं, या इसके अध्ययन के लिए आपको ध्यान में होगा जब हम तापमान के वितरण की बात कर रहे थे तो हमने इसका अध्ययन आइसोथर्म्स लाइन सम ताप रेखा के माध्यम से इसका हमने अध्ययन किया था। ठीक वैसे ही हम वायु दाब के वितरण का अध्ययन जो है वो आइसोबार्स लाइन जो है या सम दाब रेखा के माध्यम से हम करते हैं। ये सम दाब रेखाएं क्या होती हैं, आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और इनकी दिशा क्या है, ये सम दाब रेखाएं जो हैं वो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। अब हम इनकी विशेषता की बात करेंगे तो ये पूरी सीधी नहीं होती हैं, ये बहुत हद तक मुड़ी हुई होंगी, कहीं पर कर्व के रूप में होती हैं। तो इनमें इतना विचलन क्यों मिलता है, क्योंकि तापमान में विचलन है इसलिए सम दाब रेखाओं में भी हमको विचलन देखने को मिलेगा। जहाँ पर ताप अधिक या कम होगा तो क्रमशः दाब की मात्रा भी उससे प्रभावित होगी, तो इसमें विचलन आते हैं, ये एकदम सीधी नहीं होती। तीसरी चीज़, इसमें हमको सूर्य की उत्तरायण, मतलब वो सूर्य जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध पे चमक रहा है या हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पे चमक रहा है, तो उसके उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के प्रभाव से भी ये सम दाब रेखाओं की स्थितियाँ बदल जाती हैं। उत्तरायण की स्थिति में ये क्रमशः उत्तर की ओर खिसक जाती हैं और दक्षिणायन की स्थिति में ये सम दाब रेखाएँ क्रमशः श्रिंक हो जाती हैं दक्षिण की तरफ। अब इनमें जो स्पेसिंग होती है ना, मतलब इनके बीच का जो गैप है, ये हमको दाब प्रवणता की मात्रा को बतलाता है। दाब प्रवणता क्या है, मतलब दाब में होने वाला जो परिवर्तन है ये हमको इसके माध्यम से पता चलता है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे मानचित्र में ये सम दाब रेखाएं यहाँ पर पास पास, एकदम पास पास स्थित हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दाब की मात्रा यहाँ पर हर रेखा के सहारे चेंज हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। तो वहाँ पर ढाल हमको अधिक मिल रहा है और हम इसी क्षण दूसरे क्षेत्र में देख रहे हैं, या दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा, जली गोलार्ध भी हम उसको कहते हैं, तो उसके कारण टेम्परेचर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण सम दाब रेखाओं के बीच का जो गैप है, अंतराल है, वो अधिक होता है और वो लगभग सीधी होती हैं। ये हो गई आइसोबार्स की बात। अब हम इसमें देखते हैं कि इसी क्षैतिजिक वितरण की जब हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर दाब की कुछ पेटियाँ देखने को मिलती हैं। कितनी पेटियाँ हैं, आप यहाँ पर अपने अर्थ को देख पा रहे हैं, इसमें हमको वायु दाब की कुल 7 पेटियाँ देखने को मिलती हैं। आइए हम इन पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी पेटियाँ हैं और दाब की स्थिति इसमें क्या है।